ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात बेहद महत्वपूर्ण सवाल की, क्या आज खत्म होगा इमरान खान का खेल पाकिस्तान की संसद में? अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग, अविश्वास की कार्यवाही से दूर रहेंगे इमरान। इमरान के संसद नहीं पहुंचने की अटकलें हैं। वोटिंग के बाद इमरान की गिरफ्तारी की संभावना है। बहुमत के लिए चाहिए 172 सदस्यों का समर्थन। जो मैजिक नंबर है संसद का वो है 172। तो जिस भी पार्टी के पास 172 का आंकड़ा होगा वो अपनी सरकार बनाती है। पर अब ऐसे में ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि अब जो आंकड़ा है इमरान के साथियों का वो 142 के आसपास पहुंच गया है, और या फिर कहें कि 150 से भी कम रह गया है। उसकी जो साथी पार्टियां थी उन्होंने भी इमरान खान का साथ छोड़ दिया है। तो अब अटकलें इस बात को लेकर के तेज है कि पाकिस्तान की पिच पर इमरान खान आखिरी ओवर में खेल रहे हैं, और कितनी बैटिंग के जरिए वो यहाँ पर बढ़त हासिल कर पाएंगे, इसको लेकर भी सभी को तस्वीर साफ नजर आ रही है कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है इमरान सरकार का। पर अब ऐसे में तमाम पैतरे भी उनकी ओर से अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने जब राष्ट्र के नाम संबोधन दिया तो उस दौरान भी उनकी ओर से ये कोशिश थी कि जनता को वो भावुक कर सके। पर ये एक बड़ा आंकड़ा जो आप विपक्षी पार्टियों के पास, 199 सांसद उनके पास है, ज्यादा सदस्य उनके पास है, तो अब यही लग रहा है कि इमरान खान का खेल कभी भी खत्म हो सकता है। पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग आज होनी है। अविश्वास की कार्यवाही से इमरान दूर रहेंगे, तो इमरान के संसद नहीं पहुंचने की भी अटकलें तेज है। तो वहीं पाक संसद के बाहर प्रदर्शन भी चल रहा है, पाकिस्तान संसद के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी भी जारी है। तो वहीं पाकिस्तान संसद के बाहर इस प्रदर्शन से अभी से स्थिति नजर आ रही है कि वहां पर जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और उसके बाद जो तस्वीर साफ होगी उस पर भी बवाल बहुत ज्यादा नजर आएगा। तो तमाम नामों को लेकर भी अटकलें तेज है कि नेक्स्ट पीएम कौन होने वाला है। तो ऐसे में बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक एक करके सहयोगी पार्टियां भी इमरान खान का साथ छोड़ती चली गई, और उसके बाद इमरान खान जिन्होंने सत्ता की जो चाबी है सेना के दम पर हासिल की, पर चौथा साल पूरा करते करते वो उसी सेना को नकारने लगे, उसके विरुद्ध बयानबाजी करने लगे। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए बनी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के लिए कहा जाता है कि वहां की सत्ता की जो कमान है या कहें कि सत्ता की जो चाबी है वो सेना के पास ही होती है, और उसके बावजूद भी इमरान खान ने सेना के विरुद्ध जो एक्शंस लिए उसकी वजह से सेना नाराज भी थी उनसे, और यही वजह कि अब उनकी सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त ये भी अपडेट मिल रहा है कि पाकिस्तान की संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और विरोध प्रदर्शन के साथ ही गिरफ्तारियां भी वहां पर प्रदर्शनकारियों की जारी है। धारा 144 इस्लामाबाद में लगाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि लगभग लगभग तस्वीर क्लियर है। तो संसद में थोड़ी देर में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। अभी तक 198 सांसद पहुंचे हैं संसद, पीटीआई के 22, विपक्ष के 176 सांसद पहुंचे हैं संसद। अब देखिए पाकिस्तानी संसद की अगर हम बात करें तो वहां पर सरकार बनाने के लिए आपको 172 का आंकड़ा छोड़ना होता है, 172 से ज्यादा का आंकड़ा। और अभी यह खबर सामने आ रही है कि विपक्ष के पास 176 सांसद हैं जो संसद पहुंच भी गए हैं, तो वोटिंग के लिए बंद किए जाएंगे संसद के दरवाजे ताकि स्थिति बिगड़े ना, इसको लेकर के वोटिंग के लिए संसद के दरवाजे बंद किए जाएंगे। पीटीआई के 22, विपक्ष के 176 सांसद पहुंचे हैं संसद, और अभी तक 198 सांसद पहुंच चुके हैं पाक संसद। संसद में थोड़ी देर में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, इससे पहले विपक्षी दल की बड़ी बैठक भी हुई, और उस बैठक के दौरान भी तमाम मुद्दों को निश्चित तौर पर चर्चा का विषय बनाया गया होगा। तो विपक्ष संसद में तैयार है, इमरान का इंतजार किया जा रहा है। अभी तक संसद नहीं पहुंचे हैं इमरान खान। इमरान खान अपने चैंबर से ये वोटिंग देखेंगे, तो अपने चैंबर से ही वो ये वोटिंग देखेंगे। हालांकि अटकलें इस बात को लेकर भी तेज है कि इमरान खान इस वोटिंग का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं, वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो वोटिंग से पहले इमरान खान ने हार मानी है ये भी लग रहा है, क्योंकि संसद में थोड़ी देर में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, पीएम हाउस से कार्रवाई देखेंगे इमरान खान। तो वहीं कई मंत्रियों ने सरकारी आवासों से हटाया है सामान,
निजी आवासों पर शिफ्ट किया है सामान। तो ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कई मंत्रियों ने सरकारी आवासों से पहले ही अपना सामान हटा दिया है और निजी आवासों पर अपना सामान शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरीके की जो खबरें सामने आ रही है वो यही बयां कर रही है कि इमरान खान अभी से हार मान चुके हैं। उनको ये तस्वीर तो नजर आ ही गई है कि अब उनका जो खेल है वो जल्द ही खत्म होने वाला है। आखिरी ओवर की बॉल्स पर वो अब बैटिंग करेंगे तो भी अपनी सत्ता को और अपनी सरकार को बचाने में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इमरान खान के अपने ही पराए हुए हैं। उन्होंने भी अपना साथ छोड़ दिया है इमरान सरकार के साथ। अगर सहयोगी पार्टी एमक्यूएम की बात करें तो वो भी इमरान का साथ छोड़ चुकी है। तो अब ऐसे में अटकलें इसी बात को लेकर के तेज है कि इमरान सरकार गिरने वाली है। तो गृह मंत्री शेख रशीद का दावा भी सामने आया है, अविश्वास प्रस्ताव सफल हुआ तो हो सकती है इमरान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का आज का दिन फैसले वाला दिन है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन उनके लिए। आज तय हो जाएगा कि वो पाकिस्तान के पीएम बने रहेंगे या अपने कार्यकाल से करीब 1.5 साल पहले ही कुर्सी छोड़ देंगे। विपक्ष के 176 सांसद संसद पहुंच चुके हैं। इमरान खान के 22 बागी सांसद भी संसद में मौजूद है, जो ये बता रहा है कि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है और सरकार गिराने के लिए वो आज पूरा मन बनाकर वोटिंग करने के लिए आए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली है कि विपक्ष संसद में तैयार बैठा है और इस वक्त केवल इमरान खान के आने का इंतजार किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री जरताज गुल वजीरी ने कहा है कि हुकूमत कामयाब है, हम जीत रहे हैं। उनकी ओर से बड़ा दावा किया गया है, पर ये दावे कितने सच्चे कितने झूठ साबित होंगे ये तो वोटिंग के बाद जो नतीजे सामने आएंगे वही बयां करेंगे। तो इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने कहा कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, इमरान अब किसी भी तरीके से वोटिंग को नहीं रोक सकते हैं। तो इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान का बयान भी इस पूरे मसले पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, इमरान अब किसी भी तरीके से वोटिंग से नहीं बच सकते हैं, वोटिंग को नहीं रोक सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान ने संवाददाता से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री हम्मद अजहर ने यह भी कहा कि आज हम सरप्राइज देंगे जिसका जिक्र इमरान खान ने किया है। इमरान खान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया अपनी सरकार को बचाने के लिए और जब उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया तो उस दौरान भी उनकी ओर से कोशिश और कवायद रही कि जनता को भावुक किया जा सके। उन्होंने एक लेटर भी दिखाया और उस लेटर के जरिए भी बड़े दावे किए, पर तमाम दावे अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में लगातार हलचल तेज है। अब यही कहा जा रहा है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है इमरान खान के खेल का। अब स्थिति किस तरीके की वहां पर होगी ये भी देखना अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और नेक्स्ट पीएम कौन होगा ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि लगातार हलचल तेज है। कई खामियां रही इमरान सरकार की जिसकी वजह से आज ये दिन इमरान खान देखने को मजबूर हुए हैं, और पाकिस्तान की सियासत के लिए कहा भी जाता है कि वहाँ का कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल सफल तौर पर पूरा नहीं कर पाता है, और ऐसा ही कुछ इमरान खान के साथ भी हो रहा है। उनकी भी सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वोटिंग के बाद इमरान की गिरफ्तारी की संभावनाएं भी जताई जा रही है। तो वहीं इस्लामाबाद में धारा 144 भी लागू कर दी गई है ताकि वहां पर अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो तुरंत स्थिति पर कंट्रोल किया जा सके। उनके करीबी भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। उनकी सहयोगी पार्टी एमक्यूएम अपने आप को पहले ही इमरान सरकार से अलग कर चुकी है और विपक्ष पूरी तरीके से तैयार बैठा है, बस इंतजार किया जा रहा है इमरान खान का। उनके आप तक पहुंचा रहे हैं, वहां की तस्वीरें ये हैं और जानकारी ये मिल रही है कि अभी तक 198 सांसद संसद पहुंच चुके हैं। पीटीआई के 22 सांसद पहुंच चुके हैं, विपक्ष के 176 सांसद संसद पहुंच चुके हैं और वोटिंग के लिए बंद किए जाएंगे संसद के दरवाजे। संसद में थोड़ी देर में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की जाएगी और लगातार उन खामियों पर भी इमरान खान इस वक्त सोच रहे होंगे जो उनकी ओर से रखी गई, जिसकी वजह से आज ये दिन वो देख रहे हैं।